हेलो वेलकम टू केन स्टडीज सी ए पी एफ ए सी पेपर टू के लिए टाइम मैनेजमेंट पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन ये रिक्वेस्ट किया था मैं उसका मैसेज एज सच प्रजेंट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उस बंदे का नेम नहीं लिखा है लेकिन मैंने उससे बताया ठीक है मैं एक बना दूंगा वीडियो Uh, देखो तो 2020 का अब चूंकि पेपर uh, बहुत जल्दी है रात में ही उसने मैसेज किया था तो देखो बीस में नो no डाउट 2021 के लिए रहता तो शायद मैं एक दो दिन बाद भी कर सकता था लेकिन चूंकि ये अब 2020 में एग्जाम दे रहा है तो मैंने सोचा इट्स बेटर है कि हम टाइम uh, वेस्ट ना करते हुए हम uh, आज ही इस चीज को कर दें देखो सबसे बेस्ट तरीका जो है एक कोट हमने इसी अनुसार लिखा है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज टू एक्ट ये जो चीजें हैं ये इसका आंसर कहीं ना कहीं जो ये खोज रहे हो तो ये इसमें इस इम्पोर्टेंट इस है, तो uh, तो है कि टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है बहुत सारे और कैंडिडेट्स हैं कुछ जैसे टेस्ट लिखे तो कुछ कैंडिडेट का मैं uh, टेस्ट देखा तो कुछ कैंडिडेट ने बहुत अच्छा लिखा तो मैंने वही चीजें पूछा कि क्या आपने uh, पूरे थ्री आवर्स में लिखा पेपर बोला नहीं ज्यादा हमने टाइम लगाया यदि कोई आ, कुछ कैंडिडेट का ऐसा कॉपी आया तो हमने सोचा यदि वो में इतना अच्छा लिख सकता है तो नो डाउट एक्सेलेंट मार्क्स मिलेगा लेकिन देखो, में क्या होता है? में आपको ही मिलेगा. उसमें ऑफलाइन तो जब टेस्ट क्लासेस में हम करवाते थे अलाहाबाद में तो उसमें क्या है कि हम तीन थ्री आर्स दे रहे हैं उसमें आपको एनी हाउ लिखना है तो उसमें एक्चुअल पोटेंशियल ये इसमें जब होम uh, टेस्ट आप लिख रहे हो ऑनलाइन टेस्ट जो भी

तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी लेते हो ये चूंकि आप, आपको अपने अनुसार ईमानदार रहना है और ईमानदार रहना इन द सेंस देखो फर्स्ट टाइम जो टेस्ट लिख रहे हो सेकंड टाइम लिख रहे हो तो ज्यादा टाइम लग रहा है दैट्स फाइन क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस में हो लेकिन इसका जो भी है ग्रेजुअली जब कई टेस्ट वगैरह आप लिखोगे तो वो आपका टाइम आ जाएगा तो ये चीज मैंने ये कोर्ट uh, आपको डिसाइड कर रहा है डिफाइन कर रहा है कि आपका ये जो बेस्ट वे है ये द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज टू एक्ट आप ये जो टाइम मैनेजमेंट ये कर रहे हो वही देखो ये क्वेश्चन ये सेम मैसेज ने किया था देखो बहुत सारा ये जो इनफॉर्मल टाइप का है तो मैंने बस सेम मैसेज लिख सर पेपर में टाइम मैनेजमेंट पर एक वीडियो बना दो प्लीज पूरा पेपर अटेम्प्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये मैसेज है ठीक है तो मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ तो ये देखो क्या है कि अब जब आप इस चीज को कहते हो तो देखो हर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होता है तो हर बंदे का अलग अलग है अब किसी का मान के चलो ना कि पेपर टू अच्छा है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है अब मैं समझता हूँ कि एवरेज का कैंडिडेट जो भी है खास करके मैं हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट्स का देखता हूं, तो पेपर टू में जो है वो प्रॉब्लम होता है तो देखो कुछ चीजें जो है आपके पास तो करना ही है अब देखो 120 मार्क्स जो है वो ओनली इंग्लिश में है और उसमें देयर इज नो चॉइस चॉइस है ही नहीं है चॉइस किस में है सिर्फ 80 मार्क्स में है ऐसे में आप देखो हिंदी माध्यम के आप हो तो आप इसको तो हर हाल में लिखोगे ही तो आपको इसमें विकल्प है कि इसमें में से चार चुनना है छ दिया हुआ है चार चूज करना है तो देखो अच्छा तरीका किसी के लिए वो है कि जो टॉपिक हमें आसान लग रहा है हम उसको पहले लिख ले मैं ये समझता हूं हर दोनों पेपर में ये चीज है कि जो आसान है उस चीज को पहले डील कर लो तो सपोज आप हिंदी में माध्यम से हो तो आपको लगता है कि हमारा ठीक ठाक है तो आप पहले चार वो लिख लो। देखो, में क्या करना है या तो टॉपिक तो टफ है तो आप ये दो को एटलीस्ट एलिमिनेट कर लो कि दो हम एलिमिनेट कर लेते हैं बाकी चार लिखना या आपको कोई टॉपिक आसान लग रहा है तो उसको पिक कर लो कि हाँ हमको ये लिखना है तो कोई भी जैसे आपका Uh, आसान जो लगता है जो पार्ट तो उसमें आपको करना अब देखो एसे में आपके पास विकल्प है मान के चलो तो उस एसे को आपने लिख लिया तो 80 मार्क्स का ऐसे अब 80 मार्क्स का यदि आपके पास ऐसे है तो मैं समझता हूं कि उसमें टोटल आपको जो है टाइम जो लगाना चाहिए वो टाइम करीब करीब आपके 80 मिनट्स में हो जाने चाहिए एटी मिनट्स 80 मिनट्स में आप ऐसे कर लो देखो 80 मिनट्स में ऐसे करने का मतलब क्या है कि मैं समझता हूँ कि आपको फाइव मिनट में टॉपिक चार सेलेक्ट कर दे लेना है तो फाइव मिनट्स टॉपिक सेलेक्ट करने में अब फाइव मिनट से मैक्सिमम टेन मिनट्स फाइव टू टेन मिनट्स टेन मिनट्स से ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं लगना चाहिए ठीक है तो फाइव टू टेन मिनट्स आपका ये टॉपिक सेलेक्ट करने में तो समझता हूं कि टेन मिनट्स मान के चलो आपने लगा लिया टेन मिनट्स में अब जो चार आपके पास हो गया फोर ए से तो एक तरह से मैं समझता हूं कितना सेवनटीन पॉइंट फाइव मिनट्स बच रहे हैं यदि आपने टेन मिनट्स लगाए हैं तो तो इस सेवनटीन पॉइंट फाइव मिनट्स में आपको नॉर्मली फोर टू फाइव मिनट्स एवरी टॉपिक में आपको रफ वर्क करना है रफ वर्क में क्या है कि आपको सबसे पहले है टॉपिक को समझना है ये इसी में चार से पांच मिनट के अंदर आपको ये काम करना है हर ऐसे में तो देखो यदि आप पांच पांच मिनट में करते हो तो चार ऐसे है तो बीस मिनट आपका इसमें टाइम क्योंकि जब तक टॉपिक को आप नहीं समझ पा रहे हो तो तब तक मुश्किल है तो ये करना कि हर हाल में एटी मिनट्स में आपको वो टॉपिक सारे ऐसे कंप्लीट कर ले रहे हैं तो टेन मिनट्स में समझता हूँ इसमें आप बचा सकते हो ये टेन की जगह फाइव मिनट्स ही कर सकते हो ये आपकी अपनी अपनी क्योंकि देखो वन साइज डिट एवरी वन

कि यहाँ हाँ ये यह फैक्टर है और या फिर जो भी है कि आप ये कर लो कि हमको ये ये पॉइंट नॉर्मली आइडियल जो है वो थ्री टू फोर आइडियाज जो हैं वो इंक्लूड करना है या फिर आप उस आधार पे लेते हो क्वेश्चन के आधार पे या इस चीजों में तो जिस ढंग से तो आप ट्वेंटी मिनट्स देखो टेन मिनट्स आपने टॉपिक चार सेलेक्ट करने में लगाया प्लस ट्वेंटी मिनट्स आपके ब्रेन हर क्वेश्चन uh, में पांच पांच मिनट तो आपका फिर 50 मिनट बचता है तो 50 मिनट में आपको 1200 शब्द लिखने चाहिए तो 50 मिनट में राइटिंग जो है वो 1200 तो ये आप प्रैक्टिस जब करोगे तभी आएगा अब देखो ये आपका हो गया इतना अब इसके बाद जो आपका क्या होता है रेस्ट जो बचता रेस्ट बचता है तो उसमें क्या करो कि आपका जो पार्ट पहले ग्रामर वाला पार्ट को एक बार देख लो ग्रामर वाला पार्ट में क्या होता है ना कि यदि आप एग्जैक्ट जान रहे हो तो मार्क्स पूरे मिल जाते हैं तो आप ग्रामर वाला पार्ट को फिर देख लो ठीक है तो ये ग्रामर का पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया मान के चलो जो भी आ रहा है 25 मार्क्स का है तो 25 में आप जितना जान रहे हो 10 जान रहे हो 15 जान रहे हो 20 जान रहे हो कुछ भी जान रहे हो उस चीज को कंप्लीट कर लो तो ये ग्रामर वाला पार्ट में आपको आता है या नहीं आता है इसमें ज्यादा टाइम एक्चुअल में लगता नहीं है तो ये 25 जो है इसमें आपको 15 मिनट्स में लगाना है 15 मिनट्स में मैं समझता हूँ कि ये देखो इनिशियली वन राउंड 15 15 मिनट्स मिनट्स में में कर लो मैक्सिमम चीजों को सोल्व कर लो कुछ एक दो चीज जो बचता है जहां आपको लगता है कि चलो शायद बाद में हम उस पर थॉट दे सकते हैं उसको सोच सकते हैं तो उसके लिए वो रहने दो अदरवाइज आप 15 मिनट्स में ये कंप्लीट कर लो तो यदि ये 15 मिनट्स में ये कर लेते हो तो आपका 18 और प्लस 15 95 फाइव मिनट्स हो, हो जाते हैं फिर अब आपके पास कितने बच रहे हैं 85 मिनट्स बच रहे हैं तो 85 मिनट्स में अभी आपके क्वेश्चन नंबर जो है 95 ये के हैं ठीक है ना आप देखो क्या करना है आप इन चीजों में आइदर देखो आर्गुमेंट राइटिंग या जो भी है आर्गुमेंट राइटिंग को कर लो तो आप या तो आर्गुमेंट राइटिंग को कर सकते हो तो आर्गुमेंट राइटिंग देखो आपका मेजर है 40 मार्क्स का है तो इस फोर्टी मार्क्स में मैं समझता हूं कि इसमें देखो इसमें भी इसमें टॉपिक मोर और लेस जो होता है ना टॉपिक ज्यादा टफ नहीं होता है मींस टॉपिक को इंग्लिश यदि आपका इंग्लिश कंटेंट ना समझने में दिक्कत होता है अदरवाइज जो है वो टॉपिक आप टॉपिक में जैसे ऐसे टाइप का आपको ब्रॉड डायमेंशन समझने की जरूरत नहीं होती है उसमें टॉपिक का इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत हो सकता है लेकिन टॉपिक नॉर्मली ये सही रहा तो इसमें आपको 40 मार्क्स है तो इसमें आपको कितना टाइम लगाना है इसमें आपको ओ, 30 मिनट्स के आसपास लगाने हैं तो इसमें आप प्लस 30 मिनट्स ये कर लिए तो 30 मिनट्स और इसमें कर लिए तो 125 मिनट्स हो गए 125 मिनट्स, फिर रिपोर्ट तो रिपोर्ट दो रिपोर्ट जो है तो रिपोर्ट आपको 10 मिनट्स, 10, 10, 20 मिनट्स में ये कर लेना है तो 145 मिनट्स ये आपके हो गए अब देखो 145 मिनट्स हो गए तो आपके पास अब क्या बचता है फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर लो आरसी देखो वो भी ट्वेंटी मार्क्स का है तो उस ट्वेंटी मार्क्स में जो आपका है कि आरसी में कुछ ना कुछ कर लोगे एक बात ध्यान रखो कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन छूटना नहीं चाहिए हर हाल में तो वो छूटना ना चाहिए इसमें आपको जो भी है टोटल तो अब थर्टी फाइव मिनट्स आपके बच रहे हैं तो इसमें जो है आप ये दो टाइम दो 15 मिनट्स के आसपास टाइम दो 15 से 20 डिपेंडिंग ऑन 15 से 20 मिनट्स में कर लेते हो तो 20 मिनट्स में भी, भी कर लेते हो तो 20 यहाँ 165 15 मिनट बचते हैं 15 मिनट में फिर आपको प्रेसी को करना है देखो यदि एक चीज ध्यान रखना कि यदि छूट जाता है कुछ चीजें तो शायद कोशिश करना कि प्रेसी में कुछ कम लिख पाओ एक दो चार एक ज्यादा ये इसमें मत फोकस करना प्रेसी हो सकता छूट जाए तो कोई इशू नहीं आ, लेकिन और कंपोनेंट नहीं छूटना चाहिए मैं यही चीजों को कहूंगा कि रीडिंग कंप्रीहेंसर आरसी किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए आरसी किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए हर हाल में उसको अटेम्प्ट करना है ग्रामर हर हाल में उसको जितना आता है उसको अटेम्प्ट करना है ऐसे ऐसे छह में से चार लिखना है

मैं uh, ऑन अपना एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं मैंने दो बार दिया दोनों बार पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन रिटन में ठीक मार्क जो भी मार्क्स आ गया अब कुछ और कैंडिडेट बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर कंप्लीट नहीं होता है लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो वही चीजें हैं आपको यह करना है कि जो टॉपिक एटलीस्ट ज्यादा टफ है जो लग रहा है उसको ही आप छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें आप नेसेसरी मत करना कि कोई हम 20 मार्क्स का सपोज कर रहे हो रिपोर्ट राइटिंग एक यस एक, एक रिपोर्ट राइटिंग है तो मान लीजिए दस मार्क्स का है अब वो दस मार्क्स का मान के चलो रिपोर्ट राइटिंग यदि आपको नहीं आ रहा है एकदम नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको अटेम्प्ट मत करो तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट आपका जो टाइम किल हो रहा है वो आपका सेव हो जाएगा और उसके जगह दूसरे अब ये चीजें हैं कि कितना ये में हम कोशिश कर आ, करना है आप आपको हम यही कहेंगे कि आप 200 में से 200 बना लो लेकिन एनी हाउ यदि कुछ छूटता है तो एकाद रिपोर्ट छूटता है तो रहने छोड़ने दो या प्रेसी छूटता है तो छूटने दो लेकिन कोशिश ये करना कि हर हाल में आपका 170 प्लस का कम से कम बन जाना चाहिए अब 170 का इस वजह से कि देखो कुछ ग्रामर में आपको नहीं आएगा वो छूटना है पच्चीस में से पच्चीस बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं यदि आप देखो जो पच्चीस में से पच्चीस जिनको ग्रामर आ रहा हो तो उनको ये ये वीडियो उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखता है ये उन कैंडिडेट के लिए ही है ना जिनको कोई प्रॉब्लम है तो आप एनी anyway वे में कोशिश करना कि 170 का कम से कम आप अटेम्प्ट करके आओ उसमें से जैसे देखो मान के चलो हो सकता है ग्रामर का का नंबर छूट जाए एक एक मान के चलो कि रिपोर्ट आदि नहीं आ पाए या फिर प्रेसी में थोड़ा बहुत छूट जाए जैसे पंद्रह नंबर का प्रेसी है तो थोड़ा ही आपने लिखा मान लिया तो मैं समझता हूँ पांच नंबर के आस के ही अटेम्प्ट किए एक एक ही दो पैराग्राफ में ताकि आपका टाइम हो गया लेकिन वन हंड्रेड सेवेंटी प्लस एटलीस्ट कर लेना एनी हाउ आप देखो इसके लिए सबसे बेटर तरीका है ये सारी चीजें जो आपने पहला जो कोर्ट देखा तो उसमें क्या है आप टेस्ट को देखो अपने आप ये नहीं मेरे पास ऐसा नहीं है कि ये करो कि टेस्ट परचेज करके और कोई जरूरी नहीं है आप अपने में ही कोई भी टेस्ट को लो किसी भी टेस्ट को लो और उसको ईमानदारी से लिखो या प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी ले लो प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी एक उठा लो टू थाउजेंड नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन कोई भी उठा लो और उसी को सोल्व करो ये जरूरी नहीं आपको फीडबैक नहीं चाहिए तो फीडबैक नहीं चाहिए उसमें क्या दिक्कत है आप अपने आप अपने से करो तो ये तो पता चलेगा कि हम इतने देर में सोल्व कर रहे हैं या बेस्ट वे है कि 2020 के लिए कहीं भी जो भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन uh, का जो भी कोचिंग uh, इंस्टीट्यूट का जिसका भी जैसे हमारे पास टेस्ट है तो हम ऑलरेडी आपको बोले कि फीडबैक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं यदि आपको लगता है एक टेस्ट दो टेस्ट तीन टेस्ट जो भी आपको लगता है उस चीज को लिख करके देखें ये बेस्ट जो है टाइम मैनेजमेंट का ये तरीका है ठीक है ओके तो जो भी है फर्दर कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये तो डालो या प्रश्नल कुछ भी लगता है तो मैसेज भी कर दो ये एट फाइव टू सेवन वन फोर सिक्स फोर नाइन एट पे आपका व्हाट्सएप पे और या फिर टेलीग्राम नंबर पे सेवन फोर जीरो फोर नाइन जीरो नाइन सिक्स सिक्स नाइन पे कॉल देखो रेयर में ही करो बहुत जरूरी हो तभी और जिन्हें टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे टेस्ट दे सकते हो ओके थैंक यू